आपको आटा मफिन बनाना सिखाएंगे। इनके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैंने 1.5 कप आटा लिया है और 1.25 कप मैंने पिसी हुई चीनी ली है, और अब मैंने पीस ली थी इसको मिक्सी के अंदर, और मैंने आधा चम्मच मीडियम साइज़ का आधा चम्मच मैंने बेकिंग सोडा लिया है, 1 चम्मच मैंने बेकिंग पाउडर लिया है, 3/4 कप मैंने दूध लिया है, 1/2 कप मैंने ऑयल लिया है, 1 कप मैंने दही लिया है, सीडलेस चेरी पड़ी थी मेरे पास मैंने वो लिया, आप लेना ले लो नहीं तो नहीं लो। उसके बाद मैंने ये मफिन कप लिए हैं। तो अब हम शुरू करते हैं कि आटा मफिन कैसे बनाते हैं। चलो अब हम आटा मफिन्स बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक छन्नी ले लूँगी, उसके बीच में ये 1.5 कप जो आटा था वो इसके अंदर डाल लूँगी। उसके बाद मैंने जो बेकिंग सोडा लिया था 1/2 चम्मच वो भी इसके अंदर डाल दूँगी। जो मैंने ये बेकिंग पाउडर लिया था 1 चम्मच वो भी इसके अंदर मिक्स कर दूँगी। ठीक है, अब इसको हम छन्नी से छान देंगे क्योंकि अच्छी तरह ये बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर मिक्स हो जाए। ये हमारा अच्छी तरह आटा छन गया है। ठीक है, अब इसके बाद हमने जो शुगर पीसी हुई थी उसको ले लेंगे। इसके अंदर हम सबसे पहले इसके अंदर जो 1 कप दही लिया था वो डाल देंगे। ठीक है, और जो हमने 1/2 कप ऑयल लिया था वो भी इसके अंदर मिक्स कर देंगे। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा तीनों चीजों को मिक्स कर लेंगे। शुगर अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। ठीक है, हमारी शुगर जो है अच्छी तरह मिक्स हो गई है। शुगर, दही, ऑयल और तीनों चीजें, ये शुगर तीनों चीजें हमारी अच्छी तरह मिक्स हो गई है। अब हम इसके बाद जो आटा, बेकिंग सोडा और हमने सोडा पाउडर, बेकिंग पाउडर डाला हुआ था, इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके मिक्स डालेंगे। ज़्यादा एकदम इकट्ठा नहीं डालेंगे, आधा अभी डाल देंगे, अब थोड़ी देर में रख डाल देंगे। ये हमारा आटा मिक्स हो गया है। अब इसके अंदर हमने, क्योंकि थिकनेस काफ़ी है, अब इसके अंदर हम दूध डालेंगे। पहले आधा दूध डाल के देखेंगे कि अब अभी हमें और दूध की ज़रूरत है या नहीं। अब हम मफिन कप ले लेंगे, अब इसके अंदर डालना शुरू करते हैं। हमने इसको पूरा नहीं भरना, हाफ ही रखेंगे। तो थोड़ा सा टैप कर लेंगे। ऐसे जितने कप मफिन कप है उन सब में आधा करके भरेंगे, क्योंकि ये फूलेंगे भी नहीं तो बाहर आ जाएगा। मैंने माइक्रोवेव जो है ओवन, मैंने 180 डिग्री टेम्परेचर पर प्रीहीट करके रख लिया। अब मैं 25 मिनट्स रखूँगी, अब मैं इसको माइक्रोवेव में 25 मिनट्स रखूँगी, उसके बाद चेक कर लूँगी। ये 25 मिनट्स में हमारे मफिन रेडी हो गए हैं, मैंने इसको चेक कर लिया है। ये हमारे मफिन अब रेडी है। मैं इसके ऊपर, आप क्यारी नहीं लगाना चाहते तो मत लगाना, मैंने इसके ऊपर और थोड़ा एक एक पीस चेरी का ऊपर लगा दूंगी शो के लिए। ये हमारे आटा मफिन रेडी हो गया है। टेस्ट करके इसको देखो, बहुत टेस्टी है, इसको ट्राई करके देखो। थैंक यू।